हाय हाय पीडीपी हाय हाय बीजेपी हाय 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 जम्मू बार हाय हाय जम्मू बार हाय आसिफ हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है आसिफ हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है जम्मू बार हाय हाय जस्टिस कातिलों को सजा दो कातिलों को सजा दो आता है तेरे खातिर जिंदा है आसिफ हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है आसिफ हम शर्मिंदा है इस हवाले से इस वक्त हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है। ये वृक्ष जो है ये जमीर की आवाज़ है। एक मासूम बच्ची के साथ जो इस्तेसार हुआ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है। हम किसी कास्ट के खिलाफ किसी मजहब के खिलाफ नहीं, हम इंसानियत के वास्ते लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि जिस देश में ये सबक हमको पढ़ाया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी को तालीम दो और हम हिंदुस्तान में औरतों के लिए काम कर रहे हैं बच्चों के लिए काम कर रहे हैं बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उल्टा उसी देश में और उसी स्टेट में जहाँ इनकी अपनी गवर्नमेंट है जिस वक्त जो लोग इस वक्त इकतदार हैं जब इन्हीं के लोग एक मासूम बच्ची को और एक अच्छी जगह पर एक मुकदस जगह पर एक मंदिर में लगातार 7 दिन 8 दिन उसके साथ मुसलसल वो ज्यादती करते हैं उसके बाद उसका कत्ल किया जाता है और कत्ल करने के बाद जब इन्हीं का पुलिस कहते हैं कि ये लोग जो है ये कल्प्रिट्स है और उनका हम देखें अफसोस की बात है वो लोग जो इंतजार में बैठे हैं वही लोग आगे आते हैं नहीं जी इनको छोड़ दो। कारण क्या है? जो ये लड़की मासूम लड़की है ये मुसलमान लड़की है कि आसमान मुसलमान है क्योंकि हमारा इस्लाम जो है ये इंसानियत का दर्ज देता है। और मैं आपको कहूंगा कि हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है अल खल्क अल्लाह तमाम दुनिया की कायनात के जो लोग हैं ये अल्लाह के बंदे मेंबर जैसे हैं। हम इस वक्त आए हैं इंसाफ ढूंढने के लिए आसपास के साथ इंसाफ होना चाहिए और जिन्होंने ये गलत किया है जिस मजहब से ये ताल्लुक रखते हैं हम मजहब के हिसाब से यहाँ नहीं आए हैं जिस भी जिस कास्ट से ताल्लुक रखते हैं इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि दुनिया देखते रहे और आइंदा आने वाले लोग उनको एक इबरत मिले। हम इसलिए यहाँ आए हैं।